Hey friends, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर स्पा एट होम. सो गाइज, हम सभी को तो पता है कि पार्लर में अगर हम हेयर स्पा कराएंगे तो 4 to 5 hours तो जाएंगे ही जाएंगे. प्लस बजट में, हर किसी के बजट में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे. सो बेस्ट है कि हम घर पे हेयर स्पा करें, तो आज वही करने वाली हूँ. तो मैंने सोचा आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और इसके रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी. और अगर रिजल्ट्स अच्छे मिले तो आप सभी से ट्राई ज़रूर करना. एंड गाइस, इसका फर्स्ट स्टेप मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, मतलब हेयर ऑयलिंग. हेयर ऑयलिंग के लिए आप सभी को यूज़ करना है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है. कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है. सो जैसे कि मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है, और अभी मैं वो मैजिकल क्रीम रेडी करूँगी जो मतलब हेयर स्पा के लिए यूज़ होती है. तो उसी की रेमेडी आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी, और फिर आप सब मेरे साथ उसे अप्लाई करना, और मेरे साथ साथ आप सब भी हेयर स्पा कर सकते हैं. सो जल्दी जल्दी इसकी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए आप सभी को चाहिए कंडीशनर. कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ पे लॉरियल का यूज़ किया है. मैं मोस्टली डव यूज़ करती हूँ, पर फिलहाल मेरे पास लॉरियल का था तो मैंने लॉरियल का यूज़ किया. तो मैं अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग 2 packets यूज़ कर रही हूँ. मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ, और अगर आपके पास वो डब्बे वाला हो ना तो आप स्पून से देख लेना आपको जितना चाहिए आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग. और अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ही पैकेट से भी लेना, क्योंकि अगर आपकी हेयर लेंथ थोड़ी लॉन्ग है तो उस अकॉर्डिंग लेना, और शॉर्ट है तो उस अकॉर्डिंग लेना. और यहाँ पर फिर इसके बाद आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना है, जो कि प्लांट वाला नहीं होना चाहिए. वो होना चाहिए मतलब मार्केट वाला, कोई भी ब्रांड का हो सकता है. मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल थोड़ा कम डाला है क्योंकि मेरे पास नहीं था. अगर आपके पास है तो आप अच्छे से भर के मस्त डालना. और फिर मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल का यूज़ किया है, और अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो. और फिर इसमें कर्ड ऐड करना है, और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है. मिक्स करते जाओगे ना तो ये धीरे धीरे क्रीम की मतलब जैसा क्रीम होता है ना वैसा बन जाएगा, और फिर आपका रेडी हो गया. सो गाइज, ये रेमेडी रेडी हो चुकी है, और अभी हम इसे अप्लाई करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको लगाना है कोकोनट ऑयल जो मैंने ऑलरेडी लगा लिया, और उसे लगा के अच्छे से मसाज करना है. सो गाइज, हेयर ऑयलिंग के बाद आपको अपने जो हेयर पे है उस पर थोड़ा सा पानी को स्प्रे करना है, उसके बाद इसे लगाना है. सो अभी मैं इसे लगाऊंगी, और ये कितना अच्छा बन चुका है. सो चलो लगाते हैं. सो गाइज, यहाँ पे मैंने पूरा जो क्रीम था उसे लगा लिया है, और हेयर को टाई भी कर लिया, और अब मैं इससे पूरी तरह से अपने हेयर को कवर कर दूंगी. सो गाइज, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा फनी दिख रही हूँ और आप लोग सब हंसने वाले हो, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको देखते रह जाओगे आप सब. तो अभी हमें 1 घंटे वेट करना है, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ. सो गाइज, 1 hour हो चुके हैं, और अभी मैं जा रही हूँ बाथ लेने. और बाथ लेने के लिए आपको नॉर्मल जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है, और बस आपको कोई कंडीशनर की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपने ऑलरेडी ये क्रीम लगाया है तो ये सारा काम कर देगा. बस आपको सिर्फ शैम्पू करना है, एंड दैट्स इट. सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ बाथ लेके आप सभी को फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ. सो गाइज, फाइनली मैं बात लेके आ गई हूँ, और अभी मैं आपको अपना फाइनल रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जो मेरे हेयर पे आया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. पहले तो मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप इसे डेफिनेटली एक बार यूज़ करना, और अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ.
का, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम सच में पार्लर वाला लुक आया है घर पे, एकदम ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक बार देखो तो कितना मस्त लग रहा है ना, और इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।